उज्जैन जिले के खाचरौद नगर मंडी में किसानों ने कम दाम मिलने से हंगामा कर दिया। किसान बटला फली के दाम कम मिलने से नाराज थे। प्रदेश की प्रसिद्ध खाचरौद बटला मंडी में किसान का यह हल्ला बोल क्षेत्र में चर्चा का विषय बन रहा है। मंडी प्रशासक, व्यापारी और किसानों में काफी देर तक तीखी बहस होती रही। आपको बता दें कि खाचरौद बटला मंडी में बिक्री के दौरान व्यापारी और किसानों के भाव को लेकर हुई झड़प इतनी बड़ी कि व्यापारियों को नीलामी रोकनी पड़ी। नाराज किसानों ने गाड़ियों पर पथराव भी किया। किसान बटला के भाव में भारी गिरावट से नाराज थे। प्रशासन को पूरे अमला दल के साथ मंडी में पहुंचा और अमला शांत करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं बनी। किसानों के साथ प्रशासन ने बातचीत कर 3 घंटे के बाद मंडी प्रारंभ करवाई। खाचरौद से कान्हा चौधरी की रिपोर्ट। हमारे घर पे पड़ गई, उसके से वो 100 रुपए में कटी गई, तो फिर क्या होगा हमारा पैसा मले बराबर क्या होगा? आप कम से कम कितना भाव चाहते हो? ज्यादा ज्यादा कितना भाव चाहते हैं? 15। और भाई साहब एक और है, ये कट्टी का विशेष ध्यान रखे कि 1 किलो की कट्टी कोई वो पॉलिथीन की वो कट्टी 1 किलो की नहीं है, 100 ग्राम की कट्टी। 100 ग्राम आपको अगर तोलना है तो एक कट्टी रखे कांटे पे और तोल करे सारी कट्टियाँ। सर अभी जो 2 घंटे से किसानों के बीच में और व्यापारियों के बीच में विवाद चल रहा था, किस क्या बात के लेके हो तो आप प्रशासक किस निर्णय पहुँचा है? ये स्थानीय बटला मंडी में भाव को लेकर कुछ विवाद था। भाव चूंकि ये 2-3 दिन पहले अच्छे भाव थे, फिर कुछ कम हुए तो फ्लक्चुएटिंग रेट्स हैं, जैसे बाहर रेट्स चल रहे हैं उस हिसाब से रेट यहाँ भी कम ज़्यादा होते रहते हैं। इसको लेकर थोड़ा आक्रोश हो गया था। अभी दोनों पक्षों के बीच बातचीत करके मामला का सुलझ गया है। लाइन से जो है एक एक गाड़ियों की जो नीलामी की बात की है, तो हम लोगों ने भी यहाँ व्यवस्था कर दी है, पुलिस लगा दी है, मजिस्ट्रेट भी लगा दिया है, उसको लाइन से नीलामी जो है करा दी। सर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बटला मंडी कही जाती है खाचरौद, और इस तरह की बातें यदि कहीं ना कहीं प्रशासक की चूक है या व्यापारी या किसी किसान की, सबसे 30-35 साल से ये इसी तरीके से नीलामी होती आई है, आज तक कहीं कोई बात नहीं आई। अभी भी इसको शुरू हुए जो है काफ़ी दिन हो गए हैं, आज ही ये बात सामने आई है। ठीक है, तो रेट स्वाभाविक बात है कि कहीं आपूर्ति बहुत ज़्यादा हो रही है, गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा, माल बहुत आया हुआ है, तो ज़्यादा माल है तो रेट कुछ कम होता है। किसानों का कहना है कि 1 दिन पहले 20 रुपये किलो ली जाती है और 1 दिन बाद में 2 रुपये किलो कर दी जाती है। नहीं, कर दी जाती है नहीं है, वो रेट तो आसपास की भी मंडियाँ हैं, सभी मंडियाँ आसपास हैं, कहीं से भी फोन पे रेट पूछे जा सकते हैं। सर आज के बाद क्या व्यवस्था रहेगी यहाँ पर? व्यवस्था जो चाह रहे हैं लाइन से व्यवस्थित तरीके से जो है माल लिया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पशुपालन